नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन फिल्म की शूटिंग के दौरान घायल हो गए हैं। आपको बता दें, इस वक्त जो हमें खबर मिल रही है, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन हैदराबाद में अपनी अपकमिंग फिल्म प्रोजेक्ट के की शूटिंग के दौरान घायल हो गए हैं। बिग बी ने जो है अपने ब्लॉग के जरिए चोट लगने की जानकारी दी है। अपनी पसलियों में चोट आई है, उन्होंने ये कहा है। फिल्म की शूटिंग फिलहाल कैंसिल कर दी गई है। हैदराबाद के AIG हॉस्पिटल में अमिताभ का चेकअप कराने के बाद उन्हें मुंबई वापस भेज दिया गया है। और जैसे ही इस बात की जानकारी उनके फैंस को मिली, तमाम लोगों को मिली, सभी लोग जो है उनकी जो स्वास्थ्य है उसको लेकर चिंता जता रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा, हैदराबाद में प्रोजेक्ट के नाम की फिल्म की शूटिंग के दौरान एक एक्शन शॉट जो है वो शूट किया जा रहा था। इस दौरान उनको काफ़ी चोट आई है। रिब कार्टिलेज फट गया है, दाहिनी रिब केज की मांसपेशियों में खिंचाव आया है। शूटिंग फिलहाल कैंसिल कर दी गई है। और आपको बता दें कि टीम के लोग, उन्होंने कहा कि मुझे हैदराबाद के AIG अस्पताल में ले गए, वहाँ डॉक्टरों ने मुझे मेरा जो CT स्कैन है वो कराया। अब मैं अपने घर पर वापस आ गया हूँ, पट्टियाँ बांधी गई हैं, इलाज किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, हिलने डुलने में भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, सांस लेने में भी बताया जा रहा है कि उन्हें तकलीफ महसूस हो रही है। और फिलहाल उन्हें तमाम तरह की जो पेन किलर दवाएं हैं वो दी गई हैं। हालांकि अगर स्वास्थ्य की बात करी जाए तो ये कहा गया है कि अभी काफ़ी हफ्ते उन्हें शूटिंग से दूर रहना पड़ेगा। बिग बी ने लिखा, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक के लिए सभी काम को रद्द कर दिया गया है। मैं जलसा में आराम कर रहा हूं, लेकिन मोबाइल पर उपलब्ध रहूंगा, लेकिन ज़्यादातर बेड रेस्ट पर ही रहूंगा। ज़रूरी चीज़ों के लिए थोड़ा बहुत चल पाऊँगा। मेरे लिए कहना काफ़ी मुश्किल है, पर मैं आज जलसा के गेट पर अपने चाहने वालों से नहीं मिल पाऊँगा। मेरी सलाह है कि यहाँ पर ना आए। आप उन लोगों को भी ये बात बता दे जो जलसा आने की योजना बना रहे हैं, उसके अलावा बाकी सब कुछ ठीक है। तो इस तरह की जानकारी प्राप्त हो रही है। आपको बता दें कि 1982 को बेंगलुरु में कुली की शूटिंग के दौरान एक एक्शन सीन जो है वो शूट किया जा रहा था, तब भी अमिताभ बच्चन के पेट की झिल्ली और छोटी आंत फट गई थी। और उसके बाद क्या कुछ हुआ था वो आप सब जानते हैं। इस हादसे के बाद 61 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच अमिताभ बच्चन ने लड़ाई लड़ी थी। हालांकि अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और कहा है कि वो जल्द से जल्द जो है वो सही हो जाए और घर वापस लौटे। आप इस मुद्दे पर अपनी जानकारी जो भी आपके पास है वो शेयर कर सकते हैं, इस खबर को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा लोगों तक इस बात की जानकारी पहुंच सके। फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।